सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया एवं कला साहित्य समाज सेवा एवं वृद्धजन कल्याण के क्षेत्र उत्कर्ष कार्य करने वाले 31 वृद्धजनों व सामाजिक संस्थान को सम्मानित किया। मंत्री जूली ने उपस्थित वृद्धजनों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की उन्नति एवं विकास में वृद्धजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि वृद्धजन समाज का दर्पण होते हैं जिनके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी प्राप्त कर देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के वृद्धजनों को कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब बदल रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आमजन के सर्वांगीण कल्याण के लिए संचालित चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, 10 लाख तक का बीमा सहित विभिन्न योजनाएं देश में नजीर बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धजनों को सम्मान से जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर अब 1000 रुपए मासिक पेंशन की है। साथ ही अब हर साल 15% पेंशन की स्वतः ही वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 1 लाख से अधिक वृद्धजनों को देश विदेश के तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई है जिसमें हवाई जहाज से यात्रा भी शामिल है। सरकारी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले कार्मिकों के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओपीएस लागू कर एक बड़ी सौगात भी दी है। साथ ही वृद्धजनों को राज्य परिवहन की बसों में किराए में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मानवता को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री अंत्येष्टि योजना के तहत वृद्धजनों की अस्थियों को गंगा तक पहुंचाने का जिम्मा भी राज्य सरकार ने उठा रखा है। इस अवसर पर मंत्री जूली ने पद्मश्री से नवाजे गए वरिष्ठ नागरिक सूर्यदेव सिंह बारेट की पुस्तक इंद्रधनुष का विमोचन कर कहा कि इनके द्वारा किए कार्य युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।